हाल ही में भारत ने नाग मिसाइल का फाइनल यूजर ट्रायल कंडक्ट कर लिया है नाग एक थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये टेस्ट राजस्थान के पोखरन रेंज में किया गया था अब देखिए नाग का डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है फॉर एंगेजिंग एनिमी टैंक्स इन बोथ डे एंड नाइट कंडीशन अब देखिये नाग में काफी सारी कैपेबिलिटीज है इंक्लूडिंग फायर एंड फॉरगेट यानी कि आप सिर्फ टारगेट की डिटेल्स भर देंगे और ये मिसाइल एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके अटैक करेगी अब देखिये जो नॉर्मल टैंक्स होते हैं या फिर एमबीटी जिसका फुल फॉर्म है मेन बैटल टैंक्स विच आर इक्विप्ड विद रियक्टिव आर्मर उनको नाग गाइडेंस के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है अब देखिये नाग के मिसाइल कैरियर का नाम है नामिका ये बी एम पी टू टैंक पे बेस्ड है जो कि यूएसएसआर के द्वारा डेवलप किया गया था इसकी खास बात यह है कि ये एम्फेबियस टैंक है यानी कि ये शैलो वाटर में भी ट्रेवल कर सकता है फॉर एग्जाम्पल वॉर के समय पे अगर आपको कोई रिवर क्रॉस करनी है तो ये टैंक ऐसी रिवर्स को क्रॉस कर सकता है अब देखिए अभी जो हुआ है ये एक फाइनल यूजर ट्रायल था और इसके बाद नाग प्रोडक्शन फेज में चली जाएगी अब देखिये नाग मिसाइल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा जबकि इसका जो कैरियर है नामिका इसको मेडक तेलंगाना में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाएगा बात करें एंटी टैंक मिसाइल्स की तो ये प्राइमरिली आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जाती हैं। ऐसी मिसाइल में अलग अलग तरीके के गाइडिंग सिस्टम हो सकते हैं इंक्लूडिंग वायर गाइडेड मिसाइल्स लेजर गाइडेड मिसाइल्स एक्सेट्रा अब देखिये एंटी टैंक मिसाइल्स के तीन कैटेगरीज होती है एक तो स्मॉल मिसाइल्स जिसको शोल्डर लॉन्च किया जा सकता है बाय अ सिंगल पर्सन मीडियम साइज को लॉन्च करने के लिए एक टीम ऑफ सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है जबकि लार्ज एंटी टैंक मिसाइल्स किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर मेन बैटल टैंक से अटैच करके लॉन्च की जाती है और ऐसी एंटी टैंक मिसाइल्स काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं। अब देखिए शुरुआती दौर में जो एंटी टैंक मिसाइल्स बनाई गई थी वो काफी क्लोज रेंज से लॉन्च की जाती थीं, क्योंकि उनकी पेनेट्रेशन फायर पावर ज्यादा नहीं थी मतलब कि वो आर्मर्ड व्हीकल्स को भेद नहीं पाती थी लेकिन आज के समय में जो एंटी टैंक मिसाइल्स बन रही हैं, उनको काफी ज्यादा डिस्टेंस से फायर किया जा सकता है अब देखिये एंटी टैंक मिसाइल्स में कौन सा वॉरहेड यूज होगा ये डिपेंड करता है टारगेटेड टैंक के आर्मर पे ऐसा ही एक वॉरहेड है हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड जिसको की शॉर्ट में हीट कहते हैं इस वॉरहेड पे एक मेटल स्पाइक लगी रहती है जो कि मेटल आर्मर को भेद देती है बात करें गाइडेंस सिस्टम्स की तो देखिए फर्स्ट जेनरेशन गाइडेंस सिस्टम में मैनुअली कमांड्स भरे जाते थे और मिसाइल को मैनुअली ही गाइड किया जाता था टुवर्ड्स तो दी टारगेट सेकेंड जेनरेशन में सेमी ऑटोमेटिक मिसाइल आ गयी इसमें लॉन्चर का टारगेट बनाए रहना पड़ता था जब तक कि मिसाइल टैंक से टकरा के एक इम्पैक्ट ना क्रिएट कर दे बात करें थर्ड जेनरेशन की लाइक इन द केस ऑफ नाग तो ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजर के थ्रू काम करता है और मिसाइल के नोज पे यानी कि वॉरहेड की, की टिप पे एक डब्ल्यू बैंड की रडार सीकर लगी रहती है जो कि प्री डिटरमाइंड टारगेट पे हिट करती है और इसीलिए इसको हम फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहते हैं क्योंकि सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटर को टारगेट पे निशाना बनाए रखना होता था लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर मिसाइल को फायर करके वापस से रिट्रीट कर सकता है एंड ही कैन टेक शेल्टर अब देखिए भारत में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एंटी टैंक मिसाइल्स बनाई जाती हैं और इसी श्रृंखला में पहली एंटी टैंक मिसाइल डीआरडीओ ने डेवलप की थी जिसका नाम डीआरडीओ के ही नाम पे रखा गया था ये एक फर्स्ट जनरेशन की मिसाइल थी जिसमें वायर गाइडेड गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ था इसके अलावा ये मिसाइल 91 वन मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती थी और इसकी रेंज 1.6 किलोमीटर थी इसके अलावा इसमें 106 सौ mm एम का हीट वॉरहेड लगा हुआ था फिर आती है अमूक सीरीज जो कि भारत डायनामिक्स के द्वारा डेवलप की गई थी ये सेकेंड जनरेशन की मिसाइल थी जिसकी रेंज 2.8 किलोमीटर थी इसी का इम्प्रूव वर्जन अमूक 2 जमीन पे रहते हुए लॉन्च किया जा सकता है जबकि अमूक एक थर्ड जनरेशन का इम्प्रूव वर्जन है जिसको एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है अब नाक के बारे में तो मैंने आपको बताया ही बट बत यहाँ पर आप एक और चीज जान लीजिए की इसकी रेंज पाँच मीटर ऐसी लेकर बीस किलोमीटर तक की हो सकती है नाक के भी कई सारे वर्जन आते हैं एक तो लैंड वर्जन दूसरा एयर वर्जन फिर हेलिना वर्जन जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है और लास्टली जो हमने टेस्ट किया है नामिका जो कि स्पेसिफिकली नाग का ही मिसाइल कैरियर है इसके अलावा वीई एम टेक्नोलॉजी के द्वारा जैसमिन एंटी टैंक मिसाइल अभी भी डेवलपमेंट में है साथ ही साथ राफेल विमान से अटैच होने वाली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसराइल के द्वारा डेवलप की जा रही है